नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑटो कंपेयर में। दोस्तों आज की इस वीडियो बहुत ज़्यादा हम अलग ला रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं एक पेट्रोल कार और एक इलेक्ट्रिक कार के बीच में, जहां पर हमने आज के इस कंपैरिजन में हमने करेंगे कंपेयर मारुति सुजुकी की स्विफ्ट और इलेक्ट्रिक कार ओरा R1 के बीच में। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं प्राइसिंग के साथ, और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहिएगा इस वीडियो में और शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपने प्राइस के साथ। तो स्विफ्ट की कीमत शुरू होती है 5 लाख रुपये से लेके टॉप मॉडल की कीमत जाती है 9 लाख रुपये तक। इस गाड़ी में पेट्रोल, डीजल और CNG तीनों ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। वहीं बात की जाए ओरा R1 की, तो इस गाड़ी की कीमत शुरू होती है 6.5 लाख रुपए से और इसका टॉप मॉडल जाता है 8.5 लाख रुपए तक, और ये गाड़ी सिर्फ इलेक्ट्रिक सिटी पे ही चलेगी। दोनों गाड़ी की बात करें कौन सी गाड़ी ज़्यादा इको फ्रेंडली है, तो वो है ओरा R1। कौन सी गाड़ी ज़्यादा सस्ती है, तो वो है ओरा R1। बात करें यहाँ पर हम लोग पावर आउटपुट, तो आपका जो स्विफ्ट है वो जनरेट करता है 87 PS तक का पावर विद द टॉर्क ऑफ 114 Nm, और टॉप मॉडल जो इसका जनरेट करता है 190 Nm का टॉर्क। इस गाड़ी की टॉप रफ्तार है 165 km/h की। इसमें आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों प्रकार का ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है। अब बात करें ओरा R1, तो ये गाड़ी जनरेट करती है 47 PS तक का पावर विद द टॉर्क ऑफ 125 Nm टॉर्क, और इस गाड़ी की टॉप रफ्तार है 102 km/h। अब पावर में कितना डिफरेंस है आप डिस्प्ले पर देखकर समझ सकते हैं। बात की जाए ओरा R1 के कुछ स्पेशल फीचर्स के मामले में, तो इसके अंदर आपको वेंटिलेटेड सीट्स देखने को मिलते हैं, जो कि सीट भी गर्म ठंडा हो सकते हैं, लेकिन आपको ये फीचर स्विफ्ट में नहीं देखने को मिलेगा। आपको ओरा R1 में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, क्योंकि यह एक इलेक्ट्रिक कार है, तो आप कोई भी वेरिएंट लेंगे आपको चलाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होने वाली है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, तो आपको स्विफ्ट में 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, जबकि ओरा R1 में 140 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। ये इंडिया में जब भी आएगी तो इसमें ग्राउंड क्लियरेंस में कंपनी को काफ़ी सुधार करना पड़ेगा। बूट स्पेस की बात करें, तो आपको स्विफ्ट में 268 L का बूट स्पेस देखने को मिलेगा, जबकि ओरा R1 में अभी तक कोई सा खुलासा नहीं हुआ है। अब दोस्तों फ्यूल कॉस्ट और मेंटेनेंस की बात कर लें, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेंटेनेंस। आपको स्विफ्ट में लगभग 6 महीने में 2 या 3 हज़ार रुपये खर्च करना पड़ता है इसकी सर्विसिंग के लिए, जबकि आपको ओरा R1 में 3 साल में आपको इसमें खर्च आता है। और वो खर्च कितना आता है ये हम सारी बातें आपको इस वीडियो को लास्ट तक एक्सप्लेन करेंगे। तो उससे पहले फ्यूल कॉस्टिंग की बात के बारे में बात करेंगे। देखिए स्विफ्ट में आपको 37 L का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है, जिसको आप एक बार अगर फुल करेंगे इस टंकी को, तो लगभग आपको 70 रुपये पेट्रोल के हिसाब से आपको 37 L का लग जाएगा। 2500 रुपये के आसपास आपको कॉस्ट पड़ता है, और ये एक बार इसकी टंकी फुल होने पर ये गाड़ी चलती है लगभग 814 किलोमीटर। मतलब कि आपने 2500 रुपये का फ्यूल डाला, आपकी गाड़ी 814 किलोमीटर चलेगी। अब बात करें फ्यूल कॉस्टिंग ओरा R1 के मामले में, तो इसके अंदर आपको 33 kWh की लिथियम आयन बैटरी देखने को मिलती है, जिसको आप एक बार में चार्ज कर 310 किलोमीटर तक का रेंज ले पाएंगे। ये गाड़ी फास्ट चार्जिंग और क्विक चार्जिंग दोनों प्रकार के चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और अगर बात करें चार्जिंग करने के लिए भी तो पैसे चाहिए होते हैं, इंडिया में फास्ट चार्जिंग की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन अगर बात आए घर पर चार्ज करने की, तो लगभग 300 से लेकर 400 रुपये आपका बिजली का बिल उठ जाएगा इसको चार्ज करने में। ये मैं आपको सबसे हाइएस्ट बता रहा हूँ, इससे कम ही लगेगा, लेकिन मैं फिर भी आपको इसे बराबर बता रहा हूँ। तो आप लगभग 400 रुपये में लगभग आप इसमें 310 किलोमीटर तक का राइड ले पाएंगे। तो कह सकते हैं सिर्फ 25% आपका यहाँ पर पैसा लगेगा ओरा R1 से चलने में, जबकि अगर स्विफ्ट की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली दिखता है। लेकिन एक बात नोट कीजिएगा, ओरा R1 की बैटरी को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। स्विफ्ट में आपको कोई भी पेट्रोल नहीं बार बार बदलना पड़ता है, तो आपको बैटरी रिप्लेसमेंट 3 साल बाद लगभग 1 लाख रुपये से लेकर 2 लाख रुपये इसकी खर्च आप अलग से तैयार रखिएगा, जो कि आपका जो आपको रेंज में जो पैसे बचेंगे वही पैसा आपका बैटरी रिप्लेसमेंट में लग जाएगा। तो अगर हम बात करें फ्यूल कॉस्टिंग की, तो दोनों गाड़ी सेम ही है, लेकिन फ़र्क इतना है कि आपको चार्जिंग में थोड़ा कम पैसा लगेगा, लेकिन जब आप इसका बैटरी रिप्लेस कराने जाएंगे तो वो पैसा आपका वहाँ पर लग जाएगा। दोनों गाड़ी की फ्यूल कॉस्टिंग सेम ही हम कह सकते हैं, लेकिन अगर एक चीज़ आपको सबसे अच्छी बात लगेगी, ओरा R1 प्रकृति के लिए एक वरदान साबित हो सकती है, क्योंकि ये एक फुल्ली इलेक्ट्रिक कार है, इसमें 0 emission, किसी प्रकार कोई भी CO2 प्रदूषण नहीं होता है। अब दोस्तों बात करें यहाँ पर हम लोग इसकी पूरी रिव्यू की,
तो ओरा R1 बेहतर है या स्विफ्ट? तो यार देखिए, सबसे पहले तो पावर की मैं बात करें तो जी हाँ दोस्तों, स्विफ्ट का कोई जवाब नहीं है ओरा R1 के सामने। स्विफ्ट में बहुत अच्छा पावर देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर हम पर्यावरण की तरफ चलें हल्का सा, तो ओरा R1 आपको जेब पे थोड़ा कम खर्च करेगा, आपको मेंटेनेंस नहीं कराना पड़ेगा, जैसे कि मान लीजिए ऑयल फिल्टर चेंज करना, मोबिल चेंज करना। ये जो कार में आपके 4 या 5 महीने में जो खर्चे उभरते हैं उससे आप बच सकते हैं ओरा R1 को लेके। और अगर आपको पावर की इतनी नीड नहीं है तो आप ओरा R1 ले सकते हैं। आपको स्विफ्ट और ओरा R1 में कौन सी गाड़ी ज़्यादा पसंद आ रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लुक वाइज बात करें तो भाई ये आपका मैटर है। मैं हमेशा से कहते आया हूँ कि भाई पसंद सबकी अलग अलग होती है, तो आपको दोनों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा पसंद आ रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्यूल वाला अगर आपको सेक्शन नहीं समझ आया तो आपसे ध्यान से एक बार और देखें, आपको मैं पूरी डिटेल में वहाँ पे मैंने बताने की कोशिश की है। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भी ऐसे ऑटो कंपेरिजन के लिए सब्सक्राइब कर लें ऑटो कंपेयर को, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय, एंड सब्सक्राइब ऑटो compare